दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी जो है सुबह के 5:55 बज रहे हैं, 5:05। अलार्म जो था 4 बजे बजा था, बट मैं उठा नहीं। गला जो है थोड़ा सा भारी हो गया। मैं रात को स्लीपिंग बैग के अंदर ही सो गया था। फ्रेश वगैरह होना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे जो है बहुत ही ठंडा है अभी सुबह को, और सुबह को जो बज रहा है वो 5:30 बज रहा है। अभी बाइक को रूम पे ही छोड़ दिया हूँ और फिलहाल तो पैदल के लिए भागा हूँ, बट अगर शेयर टैक्सी मिल जाता है या बस कुछ भी मिल जाता है तो उसके भाई जाना है मेरे को। तो जो है बहुत ठंडा है, हाथ एकदम पूरा जम गया है। ग्लव्स है मेरे पास, बट कैमरा ऑपरेट करना है इसलिए मैंने ग्लव्स लिया नहीं। पीछे तो आपको कांचनजंगा भी दिख रहा है। वाह, वो देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा पीछे तो कांचनजंगा भी दिखेगा शायद। वो जो है वहाँ पे दार्जिलिंग महल बैठा हुआ है। दार्जिलिंग मेन सिटी है, वो वहाँ पे मतलब बसा हुआ है। मैं थोड़ा सा दूर हूँ वहाँ से, मेरे को भीड़ अच्छा नहीं लगता। पीछे देखिए, आपको कंचनजंगा दिखेगा आप अच्छे से देखेंगे तो। वो देखिए कंचनजंगा दिख रहा है एकदम पूरा क्लियर, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़। इसके लिए तो इतना दूर आते हैं बंदा। और ये देखिए हर तरफ पहाड़ और पहाड़, ब्यूटी जो है बहुत ही सुंदर है। हम जो अभी निकल पड़ा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। अगर कोई शेयर टैक्सी मिल जाता तो अच्छा है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आई थिंक मिल जाएगा। रुक जाए, रुक गया, रुक। चलो दोस्तों, मैं जो अपना बाइक है उसको तो होटल पे छोड़ चुका हूँ क्योंकि आज दूर जाना है। तो बीच में ये भैया मिल गया मेरे को, और ये शेयर टैक्सी है आपका, आप महल तक मेरे को छोड़ दे रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस गाइस, क्योंकि ये लोग नहीं होता तो मेरे को पैदल जाना पड़ता वहाँ तक, क्योंकि सुबह के टाइम है कुछ भी नहीं मिल रहा था मेरे को। सर आपका नाम क्या है? ललित गुरु। अभी जस्ट ओपन हुआ, देखते हैं, अगर हो सके तो कुछ देर बाद आऊँगा आके खा के जाऊँगा। ब्रेकफास्ट जो यहीं पे करूँगा, तो देखते हैं अपडेट क्या होता है, फिर चलिए मिलते हैं। मेरे पे भी है और एकदम ज़्यादा भीड़ नहीं है, जैसे कि मेरे को भीड़ एकदम पसंद नहीं है। सुबह एकदम सुबह को आ गया। सही अभिनंदन उठाई ना ये लोग। मेरे को कुछ बच्चे दिखा वहाँ पर जो कि चेस्ट आर्मर पहना हुआ था, तो यहाँ पे मेरे को इस भाई से दोस्ती दिखा बात किया हूँ ऐसे। ये ताइक्वांडो से है और यहीं पे इनसे मुलाकात हुआ मेरा। आपका नाम क्या है? राहुल गजमेर। राहुल गजमेर, सेकंड हैंड ब्लैक। अच्छा, ये मैं भी आया हूँ सेकंड हैंड ब्लैक। तो ये इन बच्चों को सिखाते हैं। आप लोगों का क्लास कहाँ होता है सर? यहाँ पर होता है, यहाँ पर थोड़ा पूजा के कारण से डिस्टर्ब है। यहाँ पर ये होता है मॉर्निंग टाइम में। अच्छा, इनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए कुछ बोलना है आपको? बाय। ठीक है, और ये जो महल है इसके पीछे ये है महाकाल टेम्पल। और अगर आपको महाकाल टेम्पल पे जाना है तो आप बैक साइड से जा सकते हैं, और ऊपर का रोड जो दिख रहा है यही महाकाल टेम्पल तक जाता है। बेसिकली जो है यहाँ पर हिंदू कल्चर और बौद्धिस्ट कल्चर का मिक्सअप हुआ है, तो इसीलिए ये टेम्पल इतना फेमस है। तो आप आ सकते हो यहाँ पर।
तो दोस्तों मेरे को पता नहीं था, ये जो आपका ब्लू कलर का पेंट का निशान दिख रहा है पैर में लग रहा था, ये भालू ने किया है। सर ये किसने किया है सर? ये भालू ने। और अब हम महाकाल टेम्पल से निकल के महल का जो लेफ्ट साइड का रोड है उसको पकड़ के निकल चुका हूँ। यहाँ से देखिए पहाड़ पूरा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, हर एक फोल्ड पहाड़ का समझ में आ रहा है। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो कल हम जो है वो जो रोड आपको दिख रहा है ऐसे ही रोड के ऊपर से चढ़ चढ़ के आया है, ऐसे ही रोड जो चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे ही यहाँ पर पहुँचा। बट यही जर्नी के लिए तो इतना दूर से बाइक लेके आना है, ये एडवेंचर के लिए। और ये सर के साथ तो ये राइटर भी है, और जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा पेंटिंग्स आप लोग देखे हो, नगेंद्र गुरखा। और माय नेम इज नगेंद्र गुरखा, इनका नाम है नगेंद्र गुरखा, और ये पोएम भी लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, और राइटर भी है और लिरिकिस्ट भी है। थैंक यू। वो मैं मिल गया उसको, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसीलिए सो दैट आई एम बातचीत करता है को कुछ देर तक बात किया हम लोग। उसका जो हृदय में बहुत अच्छा है, और मुख क्या बोलता है इसको, माउथ बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ये वाला जो रोड है ये सीधा, मैं तो ऐसे पैदल बाइक तो उधर रूम पे छोड़ के आया हूँ, इसीलिए हम जो है पैदल ही जा रहा हूँ, हम जो पैदल ही उसकी तरफ जा रहा हूँ। और हर तरफ जो पाइन के पेड़ आपको यहाँ पे मिलेगा पाइन। तो अपडेट कुछ ऐसा है, मैं जा रहा था वाया वॉकिंग रोपे के लिए, तो यहाँ पे एक पार्क है नाइट एंगल पार्क, आप यहाँ से टाइम स्पेंड कर सकते हो कुछ देर के लिए। और हमें उनको जा रहे हैं ऊपर की तरफ नाइट एंगल पार्क देख के आते हैं वहाँ पे है क्या बेसिकली, चलो चलते हैं उस तरफ। सॉरी फॉर इतना बड़ा जंप कट, क्योंकि नाइट एंगल पार्क जो है वो 9 बजे से खुलता है, तो फिर मैं उधर से निकल के चलते चलते ये जू तक पहुंच गया हूँ। तो दोस्तों सीट को आप लोग सभी जानते हैं, सीट मतलब जो हल्दिया ट्रिप में मेरे साथ था, कंसावती ट्रिप में मेरे साथ जो था, तो बेसिकली वो मेरे एक दिन बाद यहाँ पे आया था। तो ये जो आप जू के अंदर का जो वीडियोस देखो उसी का कैप्चर किया हुआ है। थैंक यू सीट फॉर दोज वंडरफुल वीडियोस। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर पे, आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्स्टेकल्स है
रॉक क्लाइंबिंग का, तो उसको आप यहाँ से टिकट खरीद के कर भी सकते हो। तो दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है ये इस रोड से जाना पड़ता है, दैट इज़ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का जो मतलब गैलरी म्यूज़ियम जो है वो इसी रोड से पड़ता है आपका। बेसिकली इसके अंदर जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट अगर आप आते हो तो आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो लोग पहाड़ पसंद करते हैं, जो लोग ट्रेकिंग पसंद करते हैं, और उन लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने का है। अंदर पे बहुत सारा सामान है, इक्विपमेंट है जो आप देख सकते हो एकदम फेस टू फेस, और वहाँ पे लिखा भी है उसके डिटेल में। तो आप कभी दार्जिलिंग आते हो तो ये वाला जगह मिस मत करना भाई। कुछ दिन पहले जो है लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पर, भी हुआ है थोड़ा सा, बहुत आपको दिखेगा लैंडस्लाइड, वो है इंसान के पेड़ के काटने की वजह से। ये आपका रोपवे का मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आपको टिकट करना पड़ेगा, फिर आपको सामने की तरफ निकलना पड़ेगा। तो मैं जो है रोपवे के सामने पहुँच गया हूँ, बट इसका जो टाइमिंग है 10:00 दस बजे से है, और ये टिकट काउंटर है ये भी बंद है, क्योंकि मैं बहुत ही मॉर्निंग स्टार्ट किया था आज का ट्रिप, तो इसीलिए थोड़ा सा पहले पहुंच गया। तो देखते इधर का मार्केट जो है वो देखना है थोड़ा सा। और हाँ मेरे गाड़ी में आया था ना? हाँ आप ही गाड़ी में आया था सुबह को, मेरे को जो भैया ड्रॉप कर दिया था, तो ये वही भैया है यहाँ पे, वो मेरे को पहचान गया। मैं उनको वो हुड पहने हुए थे, उनको पहचान नहीं पाया था, बट अभी वो उनको पहचान गए। अभी आपका जो फोन नंबर है वो बता दीजिए, जो लोग वहाँ से आएंगे उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प होगा। 7407032474। तो ये दार्जिलिंग पे अवेलेबल है, आपको अगर जहीं पे भी एनी टाइम एनी टाइम आप इनको कॉल कर सकते हैं, वो आपको वहाँ से पिक करके और प्रॉपर जगह तक छोड़ भी देंगे। हेलो दोस्तों, मैं रोपवे के लिए वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, और कांचनजंगा का वेदर जो है मौसम जो है बहुत ही अच्छा है। उतरा पूरा नीचे की तरफ, ये हम लोग जा रहे हो। अभी गिरेगा ये ऊपर से आ रहे हैं हम लोग।
तो आप यहाँ पे आ सकते हो भाया रोपवे, और रोपवे के बाद ये जो वादिया आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये जितना आपको जितना चाहिए आप घूम सकते हो। मैं ये पूरा वादिया टी स्टेट है, सब टी स्टेट है, और पीछे वो देखिए रोपवे जा रहा है, फिर आप यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और अब मेरे साथ साथ यहाँ का कुछ सिनेमेटिक को भी एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ा जो बात है, मेरा टाइमिंग जो है वो इतना अच्छा था कि पीछे एकदम आज का वेदर भी बहुत ही अच्छा है, और पीछे जो है कंचनजंगा पूरा क्लीन एकदम आ रहा है, पूरा क्लीन। रिटर्न कर रहे हैं बेस की तरफ, तो आप लोग आइए तो रोपवे पे भी चढ़ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं जगह को। यहाँ का जो ब्यूटी है दार्जिलिंग क्वीन ऑफ हिल्स, तो इसका जो ब्यूटी है वो आप फील कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो रोपवे के अंदर मैं अकेला ही हूँ, ये देखिए जो मेरा लक है अकेला का, हर टाइम सबका नहीं होता है। तो अभी हम जो रिटर्न कर रहा था ऊपर से, तो यहाँ पे चाय का दुकान मिल गया मेरे को, तो यहाँ से आप हर टाइप का चाय आपको मिल जाएगा, अलग अलग टाइप का मिलेगा। भूख जो है मेरे को बहुत जोर का लगा था, तो मैं जो यहाँ से दो प्लेट मोमो खा लिया, और उसके साथ साथ घर के लिए भी कुछ चाय पत्ती ले लिया। अब हम जो है वहाँ से पैदल चलते चलते नाइटिंगेल पार्क में फिर से पहुँच गए, तो अभी यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं अभी हूँ, कौन सा पार्क का नाम क्या है, नाइटिंगेल पार्क। तो यहाँ पे मैं ट्राइपॉड वगैरह सेट करने का सोच रहा था, अनफॉर्चुनेटली एक बात हो गया, मेरा जो कैमरा का है तो मैं सोचा था थोड़ा सा व्लॉग करना है मेरे को, तो इसी वजह से मैं इसको चार्ज नहीं किया था, तो इसलिए मैं एसएलआर का जो बैटरी है वो डेड हो गया, तो अभी फोन से ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ। कभी व्लॉग से इसका इनका भी यूट्यूब चैनल है, हमारे माय नेम इज ये यहाँ पे जॉब करते हैं। और आपको कुछ बोलना है सबके लिए जो मेरे व्लॉग जो लोग देखते हैं? भैया बहुत मेहनत करते हैं, तो भैया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, हमारे भी कर दीजिए थोड़ा सा। ये जो भैया है इनके होटल पे मैं ये दो टू डेज का स्टे था यहाँ पे किया, ये घूम पे है, वो दार्जिलिंग महल से भीड़ से थोड़ा सा दूर, तो मैं तो आपको पता है बाइक लेके आते, इनके सामने बाइक का भी स्पेस है, आराम से आप रख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं होता बाइक के लिए। तो आप जो लोग बाइक से मोटर व्लॉगिंग करते हुए आ रहे हो या बाइक राइडिंग करके आ रहे हो आराम से रख सकते हो। तो ये भैया जो है बंगाली भी है और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मेरा सब बंदोबस्त सब ये कर दिया, रूम भी अच्छा है, बजट के अंदर है, और थोड़ा सा बोलने से बार्गेनिंग भी हो जाता है, कम भी कर देते हैं। तो भैया आपका होटल, आपका फोन नंबर दे दीजिए। 7797326608। और आपका नाम बता दीजिए कुछ। गौरदास। अब इसके बाद का स्टोरी कुछ ऐसा था कि मैं जो अपना एक्शन कैमरा है उसको छत में सेट करके टाइमलेस के लिए बैठा दिया, और उसके बाद मेरा लंच और कैमरा जो मेरा फोन्स मेरा एसएलआर जो भी था उसको सब चार्ज में बैठा दिया, और तब तक आप ये टाइम लैप्स को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, और उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ जहाँ पे रहता है उसके ऊपर जो है बाताशिया लूप, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का जो व्यूज़ है आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए गोरखा वॉर मेमोरियल, और इसी को बाताशिया लूप बोला जाता है। और चलिए मेरे साथ साथ आप भी अंदर चलिए, राइट साइड पर एक टिकट काउंटर है, वहाँ पर आपको छोटा सा टिकट करना पड़ेगा,
के बाद आप अंदर घूम सकते हैं। लग अच्छा होगा तो यहाँ पे टॉयलेट भी मिल जाएगा। कलकत्ता का लोग जो भी आते हैं हम लोग बहुत अच्छा होता है, हम लोग को बिजनेस बहुत अच्छे तरह से देता है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग आइए। दार्जिलिंग का कॉस्ट्यूम, एक हिमालय कॉस्ट्यूम, दार्जिलिंग गोरखा ड्रेस का एंजॉय लीजिए आप। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर ओ हम सफर तेरा मेरा। सुना तेरे बिना खाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना, कष्टो मजा है ने नई माँ, रमे लो कालियो राधी, ये हवाएं गुनगुनाए, पूछ तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ठंडा यहाँ पे अभी नवंबर, यहाँ अभी इतना ठंडा है, देखिए मुंह से जाए धुआं निकल रहा है, स्टीम इंजन वहाँ पे अंदर से स्टीम निकल रहा है। तो दोस्तों आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि रूम पे भी जाना है और सामान जो है हर तरफ फैला हुआ है उसको पैक भी करना है, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है मेरे को।